तो भाई साहब यहाँ पे अपने को एक नए सब्सक्राइबर मिल गए, आपका नाम क्या है? राहुल सिंह। हम लोग सिग्नल खुलने तक का वेट करते हैं, बिकॉज इतने से सभ्य लोग भाई सभ्य बोला नहीं कि निकल। ऑलराइट जी, तो कैमरा जो है चालू हो चुका है, सो इसी नोट पे हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ राइड विद किक। तो आज अपने पास एक नई बाइक है जिसको हम चला रहे हैं। एक्चुअली ये नई तो नहीं है, है पुरानी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बाइक है ये किसका है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रहा भाई का, तो जाके फॉलो कर लो और देख लो। और यहाँ पे शायद जाने के लिए बोल रहे हैं, बट कोई नहीं, हम लोग सिग्नल खुलने तक का वेट करते हैं, बिकॉज इतने से सभ्य लोग भाई। सब ये बोला नहीं कि निकल। ओ सॉरी, सिग्नल खुल चुका है, जरा तो गेम बचाना पड़े इसलिए निकल गया। सॉरी माय बैड। तो अभी फिलहाल अपने भाई को लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा बैंक में भाई को काम है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मोटो ब्लॉग ही कर लिया जाए आज। वैसे भी बहुत दिन से मैंने वीडियोस बनाए नहीं है सापूतारा के बाद में, और काफ़ी प्लान करके रखा है मैंने, तो धीरे धीरे एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को और आपके सामने एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे नए नए वीडियो लेकर आएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं LBS की तरफ, जो कि यार पहले तो ऐसा था कि LBS पे जाने का मतलब है मौत को गले लगाना, कोई सेंस है इस बात की, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता था LBS पे। बट यहाँ पे जब से मेट्रो का काम चल रहा है ट्रैफिक लिटरली मतलब काफ़ी कम हो चुका है। ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं, अगर आप मुंबई करो तो आपको सबको पता ही है। ए भाई, तो यार बेसिकली ना मतलब मैं बस यही सोच रहा था कि जैसे मैं कहीं घूमने जाता हूँ बाहर, तो वहाँ की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ वो सब बनाने के लिए और एडिटिंग में, तो यार बट मुझे ना एक चीज़ का बहुत दुख होता है कि यार मतलब 80% लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। सो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको मतलब कि कभी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन भी ऑन करके रखें तो ही आपको YouTube जो है नोटिफिकेशन का अपडेट देगा। अदरवाइज़ YouTube में पता नहीं भाई साहब क्या क्या चल रहा है, इस वक्त नोटिफिकेशन ही नहीं जाता बड़े बड़े यूट्यूबर्स का। मैं तो छोटा हूँ अभी, मेरी तो कोई बात ही अलग है। सो गाइस देखते हैं, मेरा भी ड्रीम है कि मेरे भी चैनल पे एटलीस्ट 1,00,000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाए, तो देखते हैं ये ड्रीम कब पूरा होता है। और ये सब जो भी कुछ है भाई साहब, ये सब तो आपके ही हाथ में है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आएगी तो आप पूरे करवा दोगे, नहीं पसंद आएगी तो भाई क्या ही कर सकते हैं। ये बढ़िया था गुरु। टॉमिनर में ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में चला रहा हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मेरा जो भाई है वो काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, तो वो बाइक से ही गया था, तो वो अभी लौटा है। तो वैसे समझ रहे हो, एक चलाने में ना अलग ही मज़ा आ रहा है, और कभी कभी ऐसा फील होता है कि भाई डोमिनार है ना टूरिंग के लिए बहुत बेस्ट गाड़ी है, मतलब कि इसमें अच्छा खासा पावर है और अच्छा खासा स्पीड वगैरह है, पिकअप है, सब कुछ है, तो चलाने में एक अलग ही मज़ा आता है। और राइट, तो हम लोग पहुंच चुके हैं बैंक के पास, तो अब भाई जा रहा है बैंक में, थोड़े बहुत काम है करके आएगा। और राइट, जी, तो भाई का भी जो काम था यहाँ पर हो चुका है, तो अभी हम निकल चुके हैं वापस घर के लिए। सो यार ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ये जस्ट टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं अपने GoPro को, और प्लस आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना है, क्योंकि जो कि ये रोड के बारे में ही है, सो इसीलिए मैं आज भाई के साथ में यहाँ पर आ गया। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि वो राइट टर्न जो है चालू हो चुका है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर आपको अच्छे से दिखाते हैं कि एग्जैक्टली मैं बात किसकी कर रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे अपने को एक नए सब्सक्राइबर मिल गए, आपका नाम क्या है? राहुल सिंह। अच्छा, तुम्हारा नाम राहुल सिंह है, ओके। तो ये अभी अभी अपने को सब्सक्राइब कर रहे,
राइड विद किक यूट्यूब पे सर्च कर लेना भाई, राइड विद किक। हाँ क्या क्या बोल रहे हो? एक्चुअली आपको प्रमोट करना था ना आपके नेम को पीछे लगा के। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हक दिया, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है क्या? हाँ स्पीडोमीटर से लगा मेरे को इलेक्ट्रिक स्कूटर है। चलो बढ़िया है। KICK हाँ के आया ना फर्स्ट। हाँ ये फर्स्ट वाला ही है। हाँ ये अभी लेटेस्ट वीडियो आप चेक करो, उसमें देखो हिमालय नहीं चलाई है मैंने, ये वाली इसके नीचे वाली। हाँ सेम ब्लैक है सेम। चलो ठीक है सिग्नल खुल गया, मिलते हैं। तो राइड विद किक फैमिली में एक और मेंबर का स्वागत है राहुल भाई। अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना वीडियो के नीचे। बाकी तो बढ़िया है। सो मैं इंपॉर्टेंट बात यही कर रहा था कि ये जो है ये है गांधीनगर सिग्नल, और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो राइट टर्न है ये ऑलरेडी बंद था अगर आपको पता होगा तो, बट यहाँ पे देख सकते हो कि छोटा सा राइट टर्न ऑन किया है, मतलब चालू किया छोटा सा राइट टर्न। ओह माय गॉड, वाओ, जो कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कार और रिक्शा और बाइक ही पास हो पाता है। मतलब कि अगर हैवी व्हीकल्स है तो मुश्किल है भाई, क्योंकि मतलब उन्होंने कुछ हाइट तक ही बैरियर लगा दिया है, तो समझ सकते हो कि बस उतने हाइट तक की ही व्हीकल जो है वो वहाँ से पास हो सकती है। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे जब राइट टर्न नहीं था तो यार बेसिकली प्रॉब्लम ये होता था कि हम लोगों को पूरा जो है पवई IIT तक मतलब जाना पड़ता था, वहाँ से घूम के वापस आना पड़ता था, तो इसमें थोड़ा सा पंगा होता था। बट अभी चलो एक अच्छा हो गया है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मुंबई का सो आप अगर ट्रैवल करते हो रोज़ यहाँ से तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और राइट, सो इसी नोट पे इस वीडियो को कर देते हैं एंड, फिर मिलेंगे अच्छे से किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, बाय बाय।